एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी विलेज लाइफ व्लॉग। और मैं हूँ खुशी। सो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े पापा है वो पेंडे जो बनाते हैं, तो मावा यहाँ पर इस तरह से घुमा रहे हैं कढ़ाई के अंदर। तो अभी हम हैं वेलानी स्वीट छाया मासी के जो शॉप है और उनका फार्म साथी है, तो वहाँ पर है। आज मुझे पापा के घर से सब लोग लेने के लिए आए थे। तो जो जन्माष्टमी सातम आठम हमारा बहुत बड़ा प्रसंग होता है, त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार पर जब शादी होने के बाद पहली बार वो त्यौहार आता है तब हम मायके आते हैं, तो मुझे लेने के लिए आए हैं। तो जन्माष्टमी है वो मैं पापा के घर पर ही करूँगी। तो यहाँ पर है छाया मासी और मैं आपको उनका घर दिखाती हूँ। इस साइड रूम है और ये उनका हॉल है और आगे की साइड उनकी जो फरसान और आइसक्रीम की जो शॉप है वो आगे की ओर है। ये दे आ रहा है देवाम विपुल भाई पापा। तो हम वापस आ गए हैं, अभी हम पहले फार्म पर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए चाचा और भतीजा दोनों किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। So, दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम कितने बजे पहुंचे थे भाभी? आपने कितना आगे पहुंचा था? 5-6 बजे था। 5:30 बजे हम लोग पहुंचे थे कल्याण पर से पितरा घर पर। पहले फार्म पर गए थे और फिर गाँव यहाँ पर घर पर आए। तो यहाँ है भाभी और भाई। भाई है वो भगवान की पूजा कर रहा है। और हम जाने वाले हैं बुआ के घर पर, तो बड़े पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। पापा मम्मी गए, मैं और बड़े पापा जाएंगे, फिर आएंगे भाई और भाभी। तो यहाँ पर है बड़े पापा। तो हम लोग बुआ के घर पर आ चुके हैं। भाई है वो मम्मी के खबर ले रहे हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। भाभी और भाई भी आ चुके हैं पीछे से। तो क्या बनाया है देखते हैं। यहाँ पर है भिगोए हुए मूंग, इसमें है मीठी चटनी और इसमें है छाछ, इसमें है मूंगफली के दाने जो अच्छी तरह से मसाले ऐड किए हुए, हम उसे दाल बोलते हैं। इसमें है कट किए हुए टमाटर। यहाँ पर है गोलगप्पे की पूरी। इसमें है फ्रूट सलाद। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कटहल की भेल। आप इसमें चाहे उतने कटहल ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, काफ़ी पसंद है मुझे भाभी के हाथों की जो कटहल की भेल होती है। स्पेशली चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पापा पिछली बार हम आए थे ना, तब पापा बोल रहे थे कि भाभी ने जो चटनी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और देवम को ना किचन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना, तो वो तुरंत ही हमारे पास आ जाता है। हाँ, भाभी के दोनों बेटे हैं,
तो तीर्थ को इतना अच्छा नहीं लगता किचन में काम करना, लेकिन देवों में ना वो तुरंत ही आ जाता है किचन में, सबको पानी देना, सबको खाना परोसना, वो जिद करता है। लेकिन अभी वो छोटा है इसलिए हम उसे देते नहीं है, क्योंकि वो काम करेगा उससे ज़्यादा हमारा काम बढ़ाएगा इसीलिए। तो पापिया देखिए डिश तैयार कर रहे हैं, पासो तू आवी क्यों हैं? आओ भी आशु ठीक है। अब हम सब है हैं, हम सब छे, सब सब के हम सब तने पीवा माटे छे। हम जो था तने रसोड़ा नु काम बहु उकले हैं, तने भाई नी याद आवेरी देवो। हम जो था तने भाई नी याद आवेरी નહીં આવતું, બારે આવતા, બારે આવ મન બારે આવીને કે હમણાં ભાઈ નો ફોન આવ્યો તે વાત કરી ભાઈ થી, શું કેતો તો ભાઈ? સો તીર્થ કો ના હમને હોસ્ટેલ મે ભેજા હે, બહુત જ્યાદા યાદ આ રહી હૈ, ઓર મુને તીર્થ કો ભી ઘર કી બહુત જ્યાદા યાદ આ રહી હૈ, ક્યુંકિ વો કભી અકેલા કહીં રહા હી નહીં હૈ, તો ઉસકે લિયે યે બહુત જ્યાદા ટફ હૈ। अभी वो छोटा है क्योंकि वो छठी कक्षा में ही है, तो अभी से उसे इस तरह से घर वालों से दूर हॉस्टल में, वो भी मोर भी है यहीं पास नहीं है कि हम और 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जा सकते हैं। अभी कॉल आया था उसका, वो बहुत रो रहा था कि मुझे कल ही लेने के लिए आओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका फ्यूचर का सवाल है, अभी 8-10 दिन लगेंगे फिर सेट हो जाएगा। जाने की तैयारी कर रहे हैं और बारिश भी देखिए हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर है भाई, अभी थोड़ी देर बैठने का प्लानिंग था लेकिन अभी बारिश जैसा लग रहा है, तो फिर भाई को फार्म पर जाना है, बड़े भाई को और बड़ी मम्मी भाभी को, तो रास्ते में टाइम लग जाता है इसीलिए अब सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन आज ट्रैवलिंग की है और दोपहर को भी आराम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।